हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आपके हिंदी की जो व्याकरण वाली सीरीज है उसमें हम जो आज की इस क्लास में देखने क्या वाले हैं भाई, आपके समाचार लेखन को, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपके कुछ कुछ टॉपिक हो रखे, जैसे जनसंचार माध्यम, प्रिंट मीडिया हो रखी है, आपके पत्रकारिता की स्पेशल क्लास जो है हो रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से बहुत चीज़ें हमने कवर कर रखी है। इस क्लास में हम क्या देखेंगे, समाचार लेखन। समाचार लेखन से दो ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो समाचार क्या है, दूसरी समाचार लेखन के तत्व। तो ये दोनों टॉपिक को जो है मैं कवर करा देता हूँ आपको, ताकि आपकी एग्जाम में अगर इससे पूछे जाए तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या भाई कि समाचार क्या है ना। तो ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट। क्या क्या, कोई ताज़ा घटना, कोई विचार हो, या फिर बोल सकते कोई रिपोर्ट हो, उसको जिससे अधिक से अधिक लोग क्या हो, इंटरेस्टेड हो, रुचि रखता हो उसमें, और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़े, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समाचार कहते हैं, ठीक है। कोई घटना हो, कोई विचार हो, कोई रिपोर्ट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग समाचार कहते हैं। ये आपको लिखना होगा, क्लियर है। अगर समाचार पूछे तो इस तरीके से करके आएंगे। फिर समाचार के तत्व जो है, 2022 में पूछे गए थे कि समाचार के कोई दो तत्व या तीन तत्व लिखो करके, ऐसा, ठीक है। सी सेट में पूछा गया था ये, तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी कि क्या क्या यहाँ से आपको करना होगा, ठीक है। तो बस ध्यान से देखेंगे वीडियो को, समझते हुए चलेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसके तत्व में सबसे पहला चीज कौन सी आती है भाई, आप तत्व में इसकी नवीनता। नवीनता का मतलब क्या, आप चीज़ों को पता है, समाचार के लिए नवीनता एक बहुत बड़ी तत्व है, बहुत बड़ी चीज़ इम्पैक्ट रखता है, ये मायने रखता है कि समाचार के लिए नया होना आवश्यक है। अगर हम वही वही समाचार बार बार बताएंगे तो लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, उस पर कोई रुचि नहीं लेंगे। कोई भी समाचार कब तक के लिए होती, 24 घंटे के लिए समाचार होती, फिर वो क्या हो जाती, पुराना हो जाती। अगर उसी समाचार में देखो, पुरानी घटना में, पुरानी समाचार में ही कोई नई जानकारी मिले, ठीक है, अगर पुरानी घटना में ही कोई नई जानकारी मिलती है तो वो क्या कहलाती है, फिर से समाचार कहलाती है। लेकिन पुरानी समाचार में ही अगर कोई जानकारी अपडेट नहीं होती तो वो हमारे समाचार की कैटेगरी में नहीं आती। मतलब समाचार को रुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है, नवीनता जरूरी है, मतलब उसमें नयापन होना जरूरी है। फिर निकटता, अगर कोई समाचार ना जैसे कि आपके पास का हो तो उसको हम ज़्यादा नहीं वो से पढ़ते ना, इंटरेस्ट से पढ़ते, ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं, उसी तरीके से समाचार का निकटता होना जरूरी है, या समाचार की निकटता भी उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट करता है, मायने रखता है। फिर प्रभाव क्षेत्र, समाचार किसी समाचार या घटना की तीव्रता इस बात से आंकी जाती है कि वो कितने लोगों को प्रभावित कर रही है, ठीक है, या तो समाचार का एक प्रभाव क्षेत्र होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर जन रुचि समाचार, पत्र जन रुचि के पारखी होती, इसी कारण समाचार पत्रों में खेल का भी, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते, ताकि लोग जो है अपनी रुचि के हिसाब से समाचार को ग्रहण कर सके, समाचार को पढ़ सके, सॉरी वहां से जानकारी जो है ग्रहण कर सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर टकराव या संघर्ष अगला तत्व है। टकराव या संघर्ष में देखो, लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनाव हार जीत, खेल परिणाम आदि में होती, इसलिए इले युद्ध हो गया, चुनाव परिणाम हो गया, परीक्षा परिणाम हो गया आदि लोग बड़े चाव से, बड़े ध्यान से देखते, ये आपको लिखना होगा, क्लियर। फिर महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण लोग में के हम क्या करते हैं, मतलब कुछ विशेष लोगों की अगर हम समाचार बताएंगे, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित होते, ज़्यादा ध्यान देते, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में कोई नहीं लिखे देंगे, इस तरीके से होती है। उपयोगिता जानकारी, कोई जानकारी वाली चीज़ हो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते, जैसे कि लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, मौसम तथा स्कूलों के बंद खुलने पर भी होती, इसलिए उपयोगी जानकारी उसमें समावेश होनी चाहिए। अनोखापन होनी चाहिए, पाठक वर्ग के लिए कौन से पाठक वर्ग होती है, नीति वर्ग ढांचा, इस तरीके से ये सब चीज़ उसके क्या है, तत्व है। और ये बहुत छोटी वीडियो है, जैसे कि छोटा छोटा पार्ट्स है, इन सब चीज़ को करोगे तो एक मार्क्स, दो मार्क्स से ही आप पूरे मार्क्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, और हमारे चैनल क्लब RPS में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।